आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न सूप रेसिपी, जिसको आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं मानसून में हो या फिर सर्दियों में। जो सब्जियाँ घर में अवेलेबल हो उसी में हम ये सूप बनाएंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशमी देसी स्वादिष्ट खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक स्वीट कॉर्न, जिसका सीड निकल के हम 70-30% में डिवाइड कर लेंगे। अब गैस पे एक पैन गरम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एक छोटा साइज बटर के। बटर को मेल्ट हो जाने देंगे। देन इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप गार्लिक एंड फाइनली चॉप जिंजर। ये 5 से 6 गार्लिक एंड 1/2 इंच के करीब जिंजर है। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे अनियन एंड ग्रीन चिली। अनियन ग्रीन चिली को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे ली है गाजर एंड बीन्स। देन हम इसे 2 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो सब्जियां यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। जो 30% वाला का हिस्सा हमने यहाँ पे रखा था वो स्वीट कॉर्न को हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके ना हम इसे कवर लगा के कुक करेंगे। तब तक चलिए जो ज्यादा हिस्सा हमने रखा था कॉर्न का उसे हम ब्लेंड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। इसे हम फाइन पेस्ट नहीं दरदरा सा पेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा चला लेते हैं। देन हम इसमें ऐड करेंगे ब्लेंड किया हुआ स्वीट कॉर्न। इसे भी हम सब्जियों के साथ थोड़ी देर भून लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 कप ली है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसे कवर लगा के 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। तो ये देखिए सारी सब्जियां यहाँ पे कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसको हमने पानी में मिला के लेंगे। वैसे तो कॉर्न में सूप जो है ना हल्का गाढ़ा होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 छोटी चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। देन अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ज्यादा नहीं बस 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। यह हमारी कॉर्न सूप यहाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नींबू का रस एंड 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। मैंने यहाँ पे 8 के 10 ब्लैक पेपर को ना कूट करके लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमारी स्वीट कॉर्न सूप जो है एकदम से रेडी हो चुका है। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की सूप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।